आगर के ग्राम कुंडला खेड़ा में दूषित पानी पीने से 100 से अधिक ग्रामीणों के एक साथ बीमार होने का मामला सामने आया है। वहीं इस पूरे प्रकरण में पीएचई विभाग की भी लापरवाही सामने आई है। देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल कुंडला खेड़ा के ग्रामीण गांव में स्थित दो कुओं से पीने का पानी निकालते हैं और यह पानी प्रारंभिक जांच में दूषित पाया गया है। पानी के दूषित होने का कारण एक तरफ बारिश है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों की लापरवाही भी सामने आ रही है, क्योंकि ग्रामीण इन कुओं के पास ही कपड़े धोने के साथ गोबर फेंकने और अन्य प्रकार की गंदगी भी फैलाते हैं, जिसके चलते इस पानी के दूषित होने की बात स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कही जा रही है। गांव से जो इन्फेक्टेड पानी आ रहा है, गोबर का, लैट्रिन पेशाब का, घर का पानी जो निकल रहा है, वो कुएं के पास आके ये कुएं में अंदर जा रहा है। अच्छा। इस कारण ये कुआ भी इन्फेक्टेड है। अच्छा अच्छा। इसके पीने से भी मरीज लोग बीमार हो रहे हैं। मेन कुआ है और सारे गांव के लोग, खेड़ा के लोग, ऊपर के नीचे के सभी लोग यही पानी पी रहे हैं। अच्छा। ये पानी भी दूषित पानी है। आज गाँव में कैंप लगा के लगभग 70 से 100 लोगों का ट्रीटमेंट अभी इसमें ये रिजल्ट आया कि जो कुएं का जो पानी पी रहे थे गांव के लोग और ये बेक्टो ऑयल जो साइरप है, इससे हमने टेस्ट किया, इसका 15 मिनट में इस पानी का कलर बदल गया है। ये पानी पूरी तरह से दूषित है इस कुएं का और पीने योग्य कतई नहीं है। इसी पानी को पीने से शायद लोग बीमार हो रहे गाँव में। वहीं ग्रामीण अपनी इस स्थिति के लिए पीएचई विभाग को जिम्मेदार बता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में 5 नलकूप है पर एक को छोड़कर सभी तकनीकी कारणों से बंद है। वहीं गांव में नल जल योजना के तहत पेयजल हेतु पाइपलाइन डली हुई है पर पिछले 3 साल से काफ़ी धीमी गति से टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है। उसके चलते ग्रामीण भारी बारिश में इन दूषित कुओं का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। हमारी समस्या यही है कि पानी की समस्या है। जो यहाँ जितने जो हेडपम्प है 5-6, उसमें से एक ही हेडपम्प चल रहा है, वो भी धीमी गति में चले। गर्मी जो बंद ये खराब है सर, चारों खराब है, ये पानी नहीं दे रहे हैं और वो खराब ही है। वो एक ही जो शमशान वाला है वो चल रहा है। पानी की टंकी बनी है सर या पानी अभी वो नल चालू नहीं। पूरे प्रकरण की खास बात यह है कि ग्राम कुंडला खेड़ा में पिछले कुछ सालों में कई बार दूषित पानी को लेकर इस प्रकार की समस्या सामने आ चुकी है। इसके बाद भी जिम्मेदारों की उदासीनता गंभीर लापरवाही को दर्शाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, आगर मालवा।